हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज तीसरा दिन है हमारे डॉग का हमारे पास, बट ये आज जा रहा है डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए। बिकॉज जब हम इसको लेके आए थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि दो तीन दिन बाद आराम से ले आना। तो अभी निशांत भी आया हमारे साथ, तो चलो चलते हैं। अभी इसके अंदर डाले, जल्दी से इसकी चेकअप करा के लाते हैं, और पेडिग्री वगैरह लेके आए तो वो भी लेंगे, कुछ दवाई वगैरह सब कुछ पूछ लेंगे, वैक्सीनेशन क्या सीन है, बिकॉज अभी हमको कुछ आइडिया नहीं है इस चीज़ का। आज तो ना सुबह से इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया, दिखाऊंगा मैं आपको आके। अभी 12 बज रहे हैं तो हम आ जाएंगे दो तीन घंटे में आराम से। चलो चलो, अब छोड़ो, अब इसको थोड़ी देर में लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा हिल रहा है। पीने के लिए रख ली क्या? पीने के लिए भी ले आ रहे? कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। डॉक्टर सही मिल जाए ना। यार मुझे बुरा लग रहा है बहुत। हाँ हाँ चल। सो अभी हम हिसार तो पहुँच गए हैं, अभी एड्रेस ढूंढ रहे, और ये बहुत ज़्यादा चींची कर रहा है। सिर्फ आधा घंटा रुक जाओ बस, फिर घर पहुँच जाएंगे हम आपको चेक करवा के। 262। सो अभी हम आधे घंटे से भटक रहे हैं यहाँ पे। 262 घर में जाना है, नहीं 262 नंबर घर में जाना है। 262 238। ये वाला है डॉक्टर ए के शर्मा, फाइनली अभी चुप हो गया है। आराम से पकड़ियो, ठीक है? जब मैं लगा दूँ ढीला छोड़ दे। रो रहा है क्या? जैसे ही इसके अंदर सुई घुसाई ना, मैं तो कांप रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था यार। रो रहा है यार ये, एक बार चल जाए पता कैसा है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो अभी रिपोर्ट आ जाएगी 5-10 मिनट में। इसको इतने पानी पिला देते हैं। पी लो पी लो पी लो पी लो, ज़्यादा नहीं पीता ये पानी। हाँ डर लग रहा है यार, जल्दी से घर ले जाते हैं इसको। आ गई क्या? कम है, मेरे को ऐसा फीलिंग हो रही कि मैं क्यों आया यहाँ पे, घर पे अच्छा था ये, सच्ची बता रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इतना बुरा आज तक नहीं लगा ज़िंदगी में। क्या कर रहा है जर्मन शेफर्ड? अरे दोस्त, तो मशीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम तो कुत्ते में है, तो जाके कर ले। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये थोड़े से ज्यादा है, थोड़े से, ये कुत्ते में 12-15 होते हैं, ये 19,000। हाँ जी चलो, ये प्लेटलेट हीमोग्लोबिन 8.9 है, ठीक ठाक है, सब कुछ नहीं जाएगा उसका 3। बस पहुंचने वाले हैं बोरा हमारा घर, बस पहुंचने वाले हैं। देखो बोरा हमारा घर, बोरा मेरा स्टूडियो, देखो बोरा। कुछ चंद पलों की बात है, इसके लिए मैं पनीर भी ले आया। इसको जल्दी खोल और अंदर रख। अंदर कौन है? अब शांति मिली होगी इसको, पहले तो पानी देते हैं, पानी और पनीर। आते ही जो हमारा ओरियो है वो सो चुका है कूलर की हवा में, मैंने उसको पनीर खिलाया था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक गया था उस टोकरी के अंदर, और वहाँ भी वो डर गया था काफ़ी ज़्यादा, रोने लग गया था। सो उसका सभी चीज़ों का टेस्ट हुआ था, तो रिपोर्ट बिल्कुल सही है, किसी भी चीज़ की कमी या फिर कुछ ज़्यादा नहीं है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो चलो यहाँ से तो तसल्ली मिल गई कि हमारा डॉग बिल्कुल सही है, बिल्कुल हेल्दी है। और जो पैकेट्स वाले फूड होते हैं ना, वो भी मना किया डॉक्टर ने, पेडिग्री वगैरह नहीं देना। फिलहाल मैं ड्राइंग बना रहा था, जो कि शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अभी कंप्लीट शेडिंग के बाद वर्क कुछ ऐसा लग रहा है, कंप्लीट शेडिंग है, ओनली 3 पेंसिल का यूज़ करके, मैकेनिकल पेंसिल 4B और B और 8B, सिर्फ 3 पेंसिल्स यूज़ किए हैं, नो ब्लेंडिंग। तो अभी ब्लेंड भी करेंगे, डिटेल्स भी करेंगे, और डार्क होगा अभी तो। ओ अम्मा क्या कर रहे हो? ओरियो को पकड़ रखा है मैंने। किसको पकड़ा है? ओरिया, ओरिया, ओरिया नहीं, ओरियो। ओरियो आ जाओ, अम्मा आपकी साड़ी में छुप रहा है। छुप जा, छुप जा, छुप जा, छुप जा। अब ये पैरों के साथ खेलना सीख गया है। नहीं नहीं खेलने का, ओए कैमरा खाएगा मेरा। ये अपने रंग दिखाने लग गया अम्मा, पहले दिन तो बहुत शांत था ये,
तो आज इसका टेस्ट करवाया मैंने, जैसे कि आपने देखा पहले इसके पैर के थोड़े से बाल काटे और फिर जो इसकी नस है वो ढूंढनी पड़ी क्योंकि काफ़ी छोटा सा है ना, फिर ब्लड निकाला। जब इसका ब्लड निकल रहा था ना तो ये छटपटा रहा था और लिटरली मैं भी कांप रहा था, मुझे इतना डर सा पता नहीं लग रहा था ना। और डॉक्टर ने ना बहुत डांट दिया मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा सकता, मेरी बेइज्जती होगी बढ़िया बात भी है बिकॉज उन्होंने डांटा, तो अब इसकी और भी ज़्यादा केयर करेंगे हम। और काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि कौन सी ब्रीड है, ये है जर्मन स्पिट्ज SPITZ। इसको मैं कहीं भी लेके जाता हूँ, जैसे मैं आज इसको लेके गया तो मतलब सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जो भी रास्ते पे देखता है, जो भी बच्चे वगैरह देखते हैं ना उनको इतना पसंद आता है, पूछते हैं ये कौन सा है, जबकि ये नॉर्मल है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। वाइट वाइट सा है ना छोटा सा पपी, बहुत क्यूट लगता है। मुँह में नहीं, फिर मुँह में आ रहा है गंदे बच्चू। ये मेरे साथ सो जाता है, मेरे साथ सोते हो? मैं सोऊंगा ना, मेरे पास आके सो जाएगा। डरियो मत, काटता नहीं है वो। काटी होता भाई मेरा मुंह। अरे अरे मुंह चाट यार। भाई काट रहा है, भाई दर्द हो रहा है, भाई काट रहा है, सही में काट रहा है, पूरा दबा नहीं दे काटता यार, पूरा दबा दे रहा है बाबू। चुप रे इसके दादा। कितने प्यारे लग रहे हैं दो भाई सोए हुए। मेरा जुड़वा भाई नहीं काटता यार, वो सिर्फ मुंह में डालता और चबाता है हल्का सा हल्का चबाता है। सरदा अब तो आपको कंटेंट की जरूरत ही नहीं है, मेरी जरूरत ही नहीं आपको, कंटेंट मिल गया आपको ये रहा। अच्छा पीयूष को भूल जाओ गाइस, अभी नया नया है ना इसीलिए इसके साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा निकल। नहीं ना ये बात नहीं है पुराना हो जाएगा मतलब मजा नहीं आएगा, वही पुरानी बात नहीं, ये बात नहीं है मतलब फिर भी एक नए नए में होता है ना। नहीं नहीं इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है कि मतलब खाली टाइम में तो खेलते रहो इसके साथ, तो खेलता रहता पूरे दिन इसका। मेरा बहुत अच्छा मिशन है इसको कूलर के नीचे जाने से रोकना जाने नहीं देता इसको रजुला कैसे देख रहे हो तो गाइस अब तो बहुत खेल लिया, अभी सोने के मूड में तो अभी सोएगा और अब हम नीचे जाएंगे, इसको तो अब खेलना नहीं है, तो लेट गया आराम से। ओए बस होगी बैटरी फुल, मतलब बैटरी लो, बैटरी फुल बैटरी लो बैटरी लो। अच्छा चार्ज करने के लिए इसको सोना पड़ेगा, सो जाओ सर। सो ही गया फाइनली, हल्ला गुल्ला मत करियो, आवाज मत करियो, मेरी लाइफ में मेरे साथ ना कोई फ्रेंड्स नहीं है जिनके साथ मैं रोज चिल मारता हूँ, पार्टीज करता हूँ, आपने देखा होगा ओनली डेली अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, व्लॉग भी फैमिली के साथ में, और अब तो एक नया मेंबर आ गया तो बस मज़ा आता है, मेरे को तो ऐसी लाइफ पसंद है। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स तो हैं मेरे बहुत सारे, सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरा ये, क्योंकि मैं इसकी जितनी बेइज्जती कर लूँ ये कभी बुरा नहीं मानता है। जिन लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद नहीं आते ना, उनको फैमिलीज पसंद नहीं आती, वो उनको अपनी फैमिली पसंद नहीं आती, उनको मतलब चमकती धमकती चीज़ें देखना पसंद है, जो कि मतलब हैवी लाइफस्टाइल हाईफाई चीज़ें है ना, तो वो हाईफाई नहीं वाईफाई। मैं तो अपना टाइम पूरा अच्छे से, और मेरा काम भी मतलब आर्टिस्ट का काम है, तो अपना घर में ही है, फैमिली के साथ में, भाइयों के साथ में, क्योंकि ये किस्मत वालों को ही मिलता है, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब होती है, पूरा दिन भर फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो हाँ मैं काफ़ी अपने आप को लक्की फील करता हूँ बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मैं सारी मेमोरीज़ भी कलेक्ट कर रहा हूँ व्लॉग्स के थ्रू, जो भी हो रहा है डेली व्लॉग्स के थ्रू, स्टोरेज आपके दिमाग। और हमने जो ये पप्पी अडॉप्ट किया है, ये किस तरह से अडॉप्ट किया था, बचपन में कैसा था, जब बड़ा होगा तब वो व्लॉग देखेंगे, मतलब ओरियो इज स्लीपिंग एंड पीयूष इज कटिंग विंडू। मैंने जब इसका नाम पूछा था ना तो काफ़ी लोग कमेंट करे विनोद 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 मेरे व्लॉग्स पे भी विनोद 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 सब। मम्मी जी आरती कितनी अच्छी लगती है ना शाम के टाइम पे, वो लगाते हैं लड्डूवन का भोग लगे। चल मैं जा रहा हूँ, ओवर एक्टिंग की 50 रुपए काटो। आरती गा रहा हूँ ओवर एक्टिंग, पागल है कि तू? नहीं ऐसा थोड़ी होता है। और ये ना ये दिमाग इसकी काटो, ओवर एक्टिंग की इसकी काटो 50 रुपए। अब 50 रुपए 5 रुपए नहीं दूंगा इसको, 50 रुपए मिलते भी हैं जो काटेंगे 50 रुपए दूंगा मैं, काटूंगा थोड़ी। ओ अम्मा हम सब उतारे तेरी आरती, ओ अम्मा
अम्मा नाच दिखा दो, डांस दिखा दो, डांस। सो गाइस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। फिलहाल तो मैं वही ड्राइंग कर रहा था, होपफुली ये कल तक कंप्लीट हो जाएगी, तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगा फाइनल वर्क। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को, एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।